So, we were discussing the purification of organic compounds. And in that discussion, we have understood almost all the purification methods. One was left, that is chromatography. It is little bit different. That's why I'm making a different video for it. You will get the link in the description as well as at the end screen where I have put up the purification of organic compound. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी काफी मॉडर्न टेक्निक या बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है. क्रोमेटोग्राफी वाइडली यूज की जाती है आज की डेट में इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में, ड्यू टू दीज थ्री रीजंस. वन इज टू सेपरेट द मिक्सचर, नेक्स्ट इज टू प्योरीफाई द कंपाउंड्स, एंड थर्ड वन टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स. सो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम लोग ये तीनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू सेपरेट द मिक्सचर. ठीक है. सो क्रोमेटोग्राफी का एक जनरल मीनिंग पहले हम समझते हैं, देन वी विल स्टार्ट द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन द डिटेलिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लास 11, फॉर जेई, फॉर नीट, फॉर क्लास 9. सो इट विल एड्रेस अ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सो व्हाट डज मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, इस टेक्निक में हमारे पास एक स्टेशनरी स्टेट होगी, स्टेशनरी स्टेट जो अपनी जगह पे रुकी रहने वाली है, चेंज नहीं होगी. ठीक है ना, स्टेशनरी स्टेट. और एक होगी मूवेबल स्टेट, जिसको हम मोबाइल भी बोलते हैं आजकल, मोबाइल स्टेट. ये स्टेशनरी स्टेट बेसिकली कोई सॉलिड हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है. ये मोबाइल स्टेट इस टेक्निक में यूज होने के लिए, ये कोई सॉल्वेंट हो सकता है जिसको हम इल्वेंट बोलते हैं, या फिर कोई मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, या कुछ केसेस में गैसेस हो सकते हैं, गैसेस. और विद द हेल्प ऑफ दीज इधर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैसेस, व्हाट वी डू, वी पुट अ मिक्सचर ऑन द स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी स्टेट के ऊपर मिक्सचर हम पुट अप करने वाले हैं, और वो जो मिक्सचर होगा उसके कंपोनेंट दे विल एड्सॉर्ब ऑन द स्टेशनरी स्टेट. विद द हेल्प ऑफ दीज सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैसेज, विद द हेल्प ऑफ मीन्स मोबाइल स्टेट, हम लोग उनके सेपरेशन करेंगे. सेपरेशन क्यों होंगे? बिकॉज दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विल एड्सॉर्ब ऑन दिस स्टेशनरी स्टेट डिफरेंटली. कोई ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब होने वाला है, कोई वीकली एड्सॉर्ब होगा, कोई स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा. ये कंसेप्ट को यूज करके वो एक डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट यहां पर डेवलप हो जाएगा, एंड वी कैन सेपरेट आर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रिंसिपल विच वी अप्लाई फॉर द क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग ये एक बेसिक प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं. हेयर वी कैन सी द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. बेसिकली वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अनदर वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर आर ऑफ टू टाइप. वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम TLC भी बोलते हैं शॉर्ट में, एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हम लोग बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन विद कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देन TLC मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड आफ्टर दैट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मींस पेपर क्रोमेटोग्राफी. लेट्स टेक वन बाय वन. सो दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी. समझते हैं इसको कैसे काम होना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर. सी आई हैव मेड दीज थ्री डायग्राम, ऑल आर सेम एक्चुअली. द थ्री स्टेजेस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद दीज सिंपल डायग्राम. व्हाट इज दिस? इज अ कॉलम, ग्लास कॉलम.
packed with adsorbent, which is a stationary state. It is packed with an adsorbent, which is a stationary state. ज्यादातर हम लोग यहां पर सिलिका जेल यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल, या फिर हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना. सिलिका जेल और एल्यूमिना कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस बिकॉज इट इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट. ऑन विच एड्सॉर्प्शन आपने पढ़ा होगा, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, जहां पर दूसरे टाइप के एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट आकर एडहेयर होने वाले हैं, चिपकने वाले हैं. और जो रिलेटिव एड्सॉर्प्शन होता है सबका अलग अलग होता है. एंड दिस इज द सॉल्वेंट वी आर यूजिंग विच इज ऑल्सो नोन एज इल्यूएंट. मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ए प्लस बी प्लस सी, ये एक पैच यहां पर शो किया हमने, यानी एक मिक्सचर है जिसके अंदर थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी के, विच वी वॉन्ट टू सेपरेट. सो ड्रॉप बाई ड्रॉप केयरफुली वी एड दिस सॉल्वेंट और इल्यूएंट. व्हाट हैपन, दिस मिक्सचर फर्स्ट एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट. यहां पर क्या होगा, वो एड्सॉर्ब हो जाएगा. वी कीप ऑन एडिंग सॉल्वेंट ड्रॉप बाई ड्रॉप बिकॉज दीज कंपोनेंट्स ए बी एंड सी विल बी हैविंग डिफरेंट एड्सॉर्प्शन. ठीक है ना, इनका एड्सॉर्प्शन पावर इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंट होगा. तो धीरे 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 जिनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा उनका मोशन कम होगा, उनका मूवमेंट कम होगा. हियर सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेज, एड्सॉर्बेंट इज द स्टेशनरी फेज. यू कैन से सॉलिड है यहां पर स्टेशनरी फेज और लिक्विड है यहां पर ये मोबाइल फेज. ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है. सॉल्वेंट मींस मोबाइल फेज कैसी है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड. और एड्सॉर्बेंट मतलब सॉलिड. सो स्टेशनरी फेज है यहां पर सॉलिड स्टेट में और मोबाइल फेज है यहां पर लिक्विड स्टेट में. तो अभी धीरे धीरे क्या होगा कि यहां से दिस सॉल्वेंट मींस मोबाइल फेज विल डिफरेंशियली सेपरेट. धीरे धीरे से सेपरेशन ए बी सी का शुरू कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ए का एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है तो वहीं पर बहुत धीरे धीरे से इल्यूट करेगा. बी का एड्सॉर्प्शन थोड़ा कम है, मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली. ए का एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है तो उधर ही रहने वाला है, धीरे धीरे से मूव करने वाला है. बी का एड्सॉर्प्शन थोड़ा कम है इस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर, वो थोड़ा जल्दी से इल्यूट करना शुरू करेगा. और सी का एड्सॉर्प्शन काफी कम था तो थोड़ा और ज्यादा तेजी से इल्यूट करना शुरू करेगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट. सो विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम सॉल्वेंट डालते रहेंगे तो ये ए बी एंड सी विल सेपरेट एंड वी विल टेक आउट विद द हेल्प ऑफ वी कैन कलेक्ट इन अ सेपरेट फ्लास्क ए बी एंड सी कंपोनेंट एज पर देयर डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉलम क्रोमेटोग्राफी. क्लियर है. सो नाउ वी आर टेकिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काफी इजी है. देखिए इसमें क्या होता है, वी टेक्स अ प्लेट, ग्लास प्लेट, एंड ऑन दिस ग्लास प्लेट वी मेक अ काइंड ऑफ कोटिंग. वी मेक अ काइंड ऑफ कोटिंग, कोटेड विद 0.2 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट. लाइक वही सिलिका जेल ले सकते हैं और यू कैन से टेक एल्यूमिना.
अभी क्या करेंगे, ये अभी कोटिंग अच्छे से दिखाई देगा तो इसलिए मैं इसको रब करके दिखा रहा हूं. मीन्स इट इज कोटेड विद द एड्सॉर्बेंट, इट इज कोटेड विद द एड्सॉर्बेंट विद द 0.2 mm का एक थिकनेस इसके ऊपर आ गया. नाउ वी मेक अ बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड अ बेस लाइन. बेस लाइन, ये बेस लाइन अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर अप बनाते हैं. यहां से बेस से एंड से एंड ऑफ द प्लेट से 2 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग इस बेस लाइन को बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ व्हाट वी डू, वी पुट अ स्पॉट ऑफ द मिक्सचर हुज कंपोनेंट वी वांट टू सेपरेट. वी पुट अ स्पॉट, सो इट इज यू कैन से स्पॉट, स्पॉट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर का एक स्पॉट यहां पे लगा दिया. द कंप्लीट असेंबली, दिस कंप्लीट असेंबली विल बी प्लेस्ड इन अ काइंड ऑफ जार, एक जार के अंदर इस पूरी असेंबली को रख देते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? इस पूरे को हमने एक जार के अंदर रख दिया, सो दैट दिस एरिया विल बी डिप्ड, दिस एरिया विल बी डिप्ड इन, डिप्ड इन सॉल्वेंट, दिस एरिया विल बी डिप्ड इन सॉल्वेंट. क्या होगा, कैपिलरी एक्शन शुरू होगा, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर तो आप लोगों ने क्या कर रखा हुआ है, एड्सॉर्बेंट रखा हुआ है कोटिंग करके, तो कैपिलरी एक्शन शुरू होगा. कैपिलरी एक्शन से ये सॉल्वेंट, जिसको आप इल्यूएंट भी बोलते हैं, दिस इल्यूएंट विल राइज अप, यहां से राइज अप करना शुरू करेगा. राइज अप करते करते धीरे धीरे से ये कैपिलरी एक्शन चलते चलते इस स्पॉट के अंदर जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स हैं, इस स्पॉट के अंदर जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में चले जाएंगे. ठीक है ना, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के हिसाब से धीरे 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 से. तो होगा क्या, विद द पासेज ऑफ टाइम द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर, ये स्पॉट डिफरेंशियली एड्सॉर्ब, ऐसा ऐसा अलग 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 होना शुरू हो जाएगा. यानी एक स्पॉट यहां, एक स्पॉट ऐसा ऐसा ऊपर अलग अलग होना शुरू हो जाएगा. गेटिंग माय, ये ऐसा ऐसा अलग मीन्स ये जो स्पॉट है ये ब्रेक होते चले जाएगा. इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो ज्यादा जल्दी से इल्यूट हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जो उतना ज्यादा इल्यूट नहीं हो रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, ऐसे ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं अपने एड्सॉर्बेंट के लिए, वो वहीं रुकने वाले हैं. एक अपर लाइन आप सोच सकते हैं, यहां पर एक अपर लाइन बनाया, इसको बेस लाइन बोलते हैं, तो इसको आप अपर लाइन बोल सकते हैं. तो आफ्टर, जैसे ये इल्यूएंट मूव करते करते, कैपिलरी एक्शन से मूव करते करते इस अपर लाइन तक पहुंचता है, तो वी टेक आउट दिस प्लेट, इस प्लेट को हम बाहर निकाल देंगे. हो सकता है इस प्लेट के अंदर हमें कुछ इस तरीके का इमेज देखने को मिले. नाउ यू कैन सी दिस इज द प्लेट, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं. ये बेस लाइन है इस प्लेट का, दिस लाइन इज द बेस लाइन. ये अपर लाइन, इट इज नॉट ऑलवेज नीडेड कि हम अपर लाइन बनाए, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकली अपर लाइन बना ली जाती है. ये जो स्पॉट था, नाउ दिस स्पॉट हैज डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से ये स्पॉट टू पीसेस में अलग अलग हो गया. शायद इसके अंदर दो कंपोनेंट थे इस मिक्सचर में, अगर तीन कंपोनेंट होते तो ये तीन अलग अलग डॉट्स में कन्वर्ट हो जाता. अभी ये हाइट तो है अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज द बेस लाइन, अपर लाइन. मैंने कहा अपर लाइन हमेशा बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला पॉइंट को ही, जब पूरा ऊपर तक पहुंच जाए आपका इल्यूएंट तो उसको भी हम अपर लाइन बोल देते हैं. सपोज करते हैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन से इस स्पॉट का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस रहा, दिस इज एक्स. और आपका इल्यूएंट पहुंच चुका है इस अपर लाइन तक, बेस लाइन टू अपर लाइन, यहां तक जो आपका सॉल्वेंट है इसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस, दैट इज वाई.
that is y. So RF is a term that is x upon y. RF बोलते हैं, RF किसको बोलते हैं? RF बोलते हैं retardation factor. क्या है? retardation factor. Retardation factor is the measurement of particular component of the mixture कि उसका eluent कितना ज्यादा travel करा पा रहा है with respect to the adsorbent. जो ज्यादा travelling, ये ऊपर वाला spot के लिए हम बात करेंगे तो x की value ज्यादा होगी, इस नीचे वाले spot के लिए बात करेंगे तो x की value कम होगी. तो x upon y is the retardation. Retardation यानी कितने धीरे 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 ये ऊपर की तरफ move किया. क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्वेंट का कैपिलरी एक्शन हमेशा ज्यादा होगा सॉल्यूट के कंपैरिजन में. तो यहां पर इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दैट विल बिहेव लाइक ए सॉल्यूट, ठीक है ना. तो दिस इज आरएफ. ये जो स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स कई बार तो ये कलरफुल होंगे. अगर ये स्पॉट्स कलरफुल हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के तो दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. तो आप उसको आराम से देख सकते हैं इफ दे आर कलर्ड, एक पॉइंट. दूसरी बात, अगर ये कलरफुल नहीं हुए then what you will do, अगर ये colorful नहीं हुए तो sometime you can see them in the ultraviolet light, तब आप इनको ultraviolet light में देख सकते हैं. अगर ये ultraviolet light में भी visible नहीं हुए तो what is the third method, in that case you take this plate, इस plate को आप iodine के vapors में रख दें, iodine react with these components, ठीक है ना, iodine I2 इन components से react करेगी और इनको एक ब्राउन कलर का स्पॉट बना देगी, दैट यू कैन आइडेंटिफाई. ये थर्ड मेथड हो गया. एंड फोर्थ मेथड इज समटाइम ये विजिबल भी नहीं है कलरफुल नहीं होने की वजह से. दूसरा पॉइंट क्या बोला था हम लोगों ने, दूसरा पॉइंट अगर आपने इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा तो भी आप नहीं देख पा रहे हैं इसको. तीसरा पॉइंट अगर आपने आयोडीन की वेपर में रखा है तो ज्यादातर केसेस में ब्राउन कलर के स्पॉट्स की फॉर्म में ये दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो आयोडीन इनके साथ रिएक्शन कर लेता है. ये तीनों केसेस भी नहीं हुए तो समटाइम व्हाट वी विल डू कि हम कुछ सर्टेन केमिकल रिएजेंट का स्प्रे करके देखते हैं जिससे ये विजिबल हो जाए और हमें दिखाई दे सके. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है कि अगर ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं तो एमिनो एसिड के ऊपर, एमिनो एसिड के स्पॉट, आई मीन टू से एमिनो एसिड के स्पॉट के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हैं निनहाइड्रिन का, एमिनो एसिड के ऊपर स्प्रे किसका किया, निनहाइड्रिन, NINHYDRINE, निनहाइड्रिन का स्प्रे अगर आप करते हैं देन एमिनो एसिड कैन बी डिटेक्टेड. तो ये पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, फोर पॉइंट्स कौन से दोबारे से हम देख ले रहे हैं, फोर पॉइंट्स. दीज स्पॉट्स आर ईदर विजिबल बिकॉज इट इज कलर्ड तो आराम से दिखाई देंगे, नॉट विजिबल तो तीन केसेस हैं. नॉट विजिबल में आप पहले ट्राई करें अल्ट्रावायलेट में, विजिबल हो जाएंगे, फ्लोरोसेंट दे सकते हैं अल्ट्रावायलेट के अंदर. दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग, आयोडीन वेपर्स में आप इसको लेकर जाइए, आयोडीन की वेपर के साथ रिएक्शन करके इट बिकम्स ब्राउन. और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप लोग अगर ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल रिएजेंट्स होते हैं वो रिएजेंट का अगर स्प्रे कर दें आप इन स्पॉट के ऊपर तो दे बिकम विजिबल. उसके लिए एग्जाम्पल याद रखना है, एमिनो एसिड निनहाइड्रिन का स्प्रे से आपको विजिबिलिटी देगा, टेस्ट किया जा सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड रिवाइज. तो अब बात करते हैं हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी दिस थर्ड वन. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी यहां पर होता क्या है कि अ स्पेशल टाइप of paper we use. हम लोग एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज कर सकते हैं, करते हैं एक्चुअली, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं. क्रोमेटोग्राफी
पेपर। इस क्रोमेटोग्राफी पेपर की क्या खास बात होती है, क्या इसके अंदर डिफरेंस है? क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर सेल्यूलोस तो होगा ही, जो कि अपने आप में एक सॉलिड है सेल्यूलोस, लेकिन इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में वाटर कंटेंट काफी होता है, जो कि अपने आप में एक लिक्विड है। वाटर कंटेंट इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में इनफ क्वांटिटी में होता है प्रैक्टिकली। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं, इसमें स्टेशनरी स्टेट है। क्रोमेटोग्राफी पेपर बेसिकली इस प्रोसेस का क्या है, स्टेशनरी स्टेट है, स्टेशनरी फेज है, स्टेट आप बोलें फेज बोलें, स्टेशनरी फेज है। लेकिन इसमें स्टेशनरी फेज सेल्यूलोज नहीं है, सॉलिड इज नॉट द स्टेशनरी फेज नाउ, लिक्विड वाटर इज द स्टेशनरी फेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन है, लिक्विड है, लिक्विड वाटर इज द स्टेशनरी फेज, एंड मोबाइल फेज इज ऑल्सो अ लिक्विड, लिक्विड बोथ आर लिक्विड, मोबाइल फेज एज वेल एज स्टेशनरी फेज बोथ आर लिक्विड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्लियर है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा रब कर दें, है ना, मीनिंग तो समझ में आ गया, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता क्या है और क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं। देखिए यहां पर एक क्या करेंगे, हम लोग एक कार्डबोर्ड लिया, लाइक काफी सारे इसके डिजाइन अवेलेबल हैं। इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक ऐसा पिन जैसा लगाया हम लोगों ने, और इस पिन के ऊपर एक पेपर जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसको ऐसा हैंगिंग फॉर्म में लटका दिया। इस पेपर के वैसे ही करते हैं बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखा, इसका एक बेस लाइन बनाया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, यहां पर हमने एक स्पॉट लगा दिया ऑफ द मिक्सचर। कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का था, एंड वी कीप द कंप्लीट सिस्टम ऐसा एक जार के अंदर हम लोगों ने इसको रख दिया, गॉट इट, ग्लास जार के अंदर हम लोगों ने इसको, यहां पर हमने क्या रखा नीचे, सॉल्वेंट ऐसा हमने इसको रख दिया। ड्राइंग थोड़ा और अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपने रखा सॉल्वेंट जिसको आप इल्वेंट बोल रहे हैं, वही प्रोसेस शुरू होगा जो अभी अभी हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पढ़ा। क्या होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे से ये कैपिलरी एक्शन शुरू करेगा आपका सॉल्वेंट। ये इस बार जो स्पॉट है, स्पॉट ऑफ मिक्सचर, स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज एडजॉर्ब्ड ऑन द लिक्विड, यानी यहां पर स्टेशनरी फेज। अभी अभी हम लोगों ने बात किया ना कि इस पेपर, ये क्या है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ये क्या है आपका, क्रोमेटोग्राफी पेपर है। क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, जो कि इसके अंदर काफी ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, वो होगा यहां पर एड्सॉर्बेंट। ये जो स्पॉट आपने लगाया, बेसिकली इट विल बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द वॉटर कंटेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेयर सॉल्वेंट मीन्स अ लिक्विड, लिक्विड इज द मोबाइल फेज एंड लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज। यहां पर लिक्विड ही मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज, और लिक्विड ही यहां पर स्टेशनरी फेज है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखें। बाकी कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे से क्लासीफाई हो जाएगा, यू विल गेट टू और थ्री डॉट्स एज पर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। दो कंपोनेंट वाला मिक्सचर तो टू डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री कंपोनेंट वाला मिक्सचर तो थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा भी केस होगा। बाकी का केस बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही लगेंगे जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे लगते हैं। सो द मेन थिंग्स which is related with the paper chromatography, why it is called partition paper chromatography,
partition, because here mobile phase as well as stationary phase both are liquid. So ये आप याद रखिए, और क्रोमेटोग्राफी पेपर के जो स्पेसिफिकेशन से जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ. और क्रोमेटोग्राफी से पहले आई विल सजेस्ट यू वंस मोर दैट मस्ट सी द प्रीवियस वीडियो ऑफ वेयर आई हैव टोल्ड यू द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो वहां पर पढ़िए. देर आर टोटल 10 मेथड्स. आउट ऑफ दीज 10 मेथड्स आई हैव टोल्ड यू और आई हैव टीच यू इन दैट फर्स्ट 9 एंड दिस इज द 10th वन. ये 10वें नंबर का लास्ट वाला था. द टॉपिक वॉज क्वाइट बिग और इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता था, तो मैंने सोचा कि क्रोमेटोग्राफी को हम सेपरेटली पढ़ते हैं एंड यू कैन डू. सो वेल डन.